पार्टी का तो ये गढ़ कहा जाता है, और जैसा माननीय विधायक जी ने कहा कि कोई कर नहीं पाया, उन्होंने कर दिखाया क्योंकि इनकी सरकार ने सहयोग किया। आपकी सरकार आपके अपने गढ़ में ये काम क्यों नहीं करा पाई थी? और आप कोरोना काल में चिल्लाते रहे कि नहीं हम जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, निभा नहीं पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उसके पहले से लेकर अब तक की तमाम और भी समस्याएं थी, कोरोना काल में तो नई चुनौतियां थी, क्या वजह रही? कितना मानते हैं इनकी बात को? सही नहीं, इन्होंने जो इनकी सरकार है, जो विधायक जी ने कहा, मैं समझता हूं कि जितना विधायक जी कह रहे हैं ये मंडल के अंदर या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जी कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जुमलेबाजी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया है। नहीं, जुमलेबाजी तो ये देश में करते हैं आप लोगों के हिसाब से, प्रदेश में ही करते हैं सर? नहीं, प्रदेश में भी कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और अगर जो मेन भूमिका जो जनता के बीच में काम किए हैं, हमारी सरकार थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उसने इतने काम किए कि विधायक जी कह रहे हैं कि किसी ने कराया ही नहीं। अखिलेश जी ने तो, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इतने काम कराए, कौन सा काम हमारे मंडल के अंदर ऐसा रह गया? कांठ में काम क्यों नहीं कराया जो गिनाया माननीय विधायक जी ने कि हाँ मेरे यहाँ ये काम था, मेरे हिस्से में आया, मैंने कराया, मेरी सरकार ने कराया। और भी काम है। नहीं नहीं, बहुत से काम कांठ विधानसभा में जो विधायक थे हमारे पीस पार्टी के वहां पर विधायक थे, लेकिन कांठ के अंदर भी बहुत से काम किए हैं जो विधायक जी, हो सकता है विधायक जी तो अपने ही वाले काम गिनाएंगे। आप अपना गिना दीजिए, उन्होंने अपना गिनाया, आप भी गिनवा दीजिए। नहीं, हमारे तो इतने काम हैं, आप कांठ में जाकर के देख लीजिए कितने गेट हमारी पार्टी ने बनवाए, कितनी सड़कें हमारी पार्टी ने वहां पर सरकार ने बनवाई, विधायक जी ने बनवाई। कोई एक काम हो तो हम लोग गिनाए, अब इनके तो एक काम, एक दो काम होंगे, वो ही गिनाने के लिए बैठ गए यहाँ पर। कौन से गेट थे जो इन्होंने बनवाए लेकिन सड़कें नहीं बन पाई थी जो आपने बनवाई? ये गेट इन्होंने जो बनवाए वो गेट अभी इस बात पे उतर आए हैं। तो अभी एक काम और है, ऐसा रामगंगा नदी है वहाँ कांठ के बगल में बहती है और उसमें बंदा आज तक कोई विधायक रहे, दो बार विधायक रहे, बसपा के भी रहे, समाजवादी के भी रहे, और चार गांव हर साल बहते चले आए, उनकी फसल पट होती चली आई, आज तक बंदा किसी ने नहीं बनवाया वहाँ। हमने इस बार वहाँ बंदा बनवा दिया 3 करोड़ की लागत से। और दूसरी बात यह है, गेट जो बने हैं वो गेट केवल कांठ नगर पंचायत में बने हैं, उन गेट का आप ये बताइए, उन गेट का क्या जनता को लाभ है साहब? बताइए भाई असगर भाई, गेट का लाभ क्या था? नहीं, गेट का लाभ तो ये है, जब कोई आदमी कांठ के अंदर आएगा तो कांठ की खूबसूरती अलग ही होगी। अब गेट में जो पैसा अगर लगाया गया तो फालतू में पैसा थोड़ी लगाया गया है, उसका कोई तो उपयोग है। अब जब कांठ के अंदर लोग जाते हैं तो कांठ की खूबसूरती अलग ही दिखाई देती है। अब और सड़कें कौन सी ऐसी सड़कें यहाँ से अमरावा से ले, आपने बनवाया बहुत बधाई आपको, लेकिन अंदर अगर सड़क नहीं होगी जैसा विधायक जी कह रहे हैं तो कौन सी खूबसूरती दिखेगी? नहीं, कौन सी सड़क ऐसी है जो नहीं है? अगर एक बंदा विधायक जी ने बनवा दिया सड़क होगी तभी तो, तो, तो सड़कों का तो जाल बिछा दिया समाजवादी पार्टी की सरकार ने। इन्होंने तो कहा कि गड्ढा मुक्त कराने काम करेंगे, हम कहना चाहते गड्ढा मुक्त तो क्या, इन्होंने गड्ढा युक्त करा दी सड़कें। कौन सी सड़कों गड्ढे इन्होंने भर दिए बताइए हमें, जब से सरकार बनी है एक सड़क इन्होंने बनवाई हो? या हमारा देख लीजिए आप, संबल से लेकर के मुरादाबाद तक 4 लेन बनाने काम हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया, ये एक 4 लेन हमें बता दें। चाहे लखनऊ से लेकर के आगरा तक एक्सप्रेसवे बनाने का काम अगर किसी ने किया, समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। ये तो काम वो करते हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने विकास कराया है, उसका पत्थर लगा करके उद्घाटन करने का अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। इतने काम समाजवादी पार्टी ने किए हैं, मिश्रा जी के हम लोग गिना नहीं सकते आपको कितने काम किए हैं। सुन लेते हैं, चुनू साहब को सुन लेते हैं। विधायक जी जवाब दे दीजिए सर, मैं क्या पूछूं, इतने सारे सवाल दाग दिए।